आप देख रहे हैं वसई सत्ता एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंधेरी पश्चिम वार्ड क्रमांक 69 की नगर सेविका रेणु हंसराज ने अपने पौने 5 साल के कार्यकाल का अहवाल प्रकाशित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोहर जी पहुंचे और उन्होंने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर आमदार अमित साटम ने क्या कुछ कहा और खुद रेणु हंसराज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रेणु हंसराज ने बताया कि उन्होंने 5 साल में काफ़ी कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कार्य अभी भी प्रगति पर हैं। वो कुछ स्कूल हाई लेवल के बनाना चाहती हैं और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था को सही करना चाहती हैं, उसके लिए भी वे काम कर रही हैं। मानूंगी कि कुछ हमारे जरूरी कार्य, जैसे मैंने आपको बताया मेरे BMC का जो स्कूल है गांधी शिक्षा भवन स्कूल, गांधी ग्राम रोड स्कूल, मैं चाहती हूँ कि हम उसको मुंबई का एकदम शानदार BMC स्कूल बनाए जहाँ लोग एकदम मुफ्त की शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इस कार्य में आपकी समर्थन और आपकी सहायता करने में कौन कौन सी विशेष? देखिए, ये पूरा श्रेय जाता है हमारे वार्ड क्रमांक 69 के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे शक्ति केंद्र के हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता का कि जनता जब आपके साथ जुड़ती है तो वो रूप अलग ही निकलता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि जिन जनता का हमने पिछले 4.5 साल 5.25 साल में काम किया है वो यहाँ पर खुशी से आए थे। कुछ लोग अपना आभार प्रकट कर रहे हैं, पर बेसिकली मुझे अपना आभार प्रकट करना था क्योंकि ये जुड़ के हमारे साथ काम किया। इस 4.5 साल के पीरियड में आपको कई काम में कुछ रुकावट आई रहेगी, कुछ काम में आपको किसी वरिष्ठ के या आपके कार्यकर्ताओं की मदद से आपने कई कुछ ऐसा मुद्दा लेके कुछ काम किया हो जो विशेष मुद्दा हो आपके लिए पूरे 4.5 साल जाने? विशेष मुद्दे तो ऐसे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ सेक्टर में रहता है मुफ्त का इलाज। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक हमारी डिस्पेंसरी थी BMC की, वो पिछले 7 साल से बंद पड़ी हुई थी और किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि जो हमारे निचले वर्ग के और लोग हैं उनको ये फ्री मुफ्त का इलाज होना चाहिए। तो हमने वो डिस्पेंसरी को दूसरी ओपन किया, हमने नाला सफाई को लेकर बहुत काम किया है, कचरे को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बहुत काम किया है, जू बीच की स्वच्छता को लेकर बहुत काम किया है। लोगों को जहाँ सड़कें नेहरू नगर में, जब मैंने अपना कार्यकाल संभाला तो 2017 में वहाँ पर चलने की भी जगह नहीं थी और ये आप नेहरू नगर के रहने वालों से पूछ सकते हैं कि तब और आज के सड़क में कितना फ़र्क है। उनकी जो हम बोलते हैं सुविधा प्रोवाइड कर सके हैं, कितना उनको फ़र्क महसूस हो रहा है। वार्ड नंबर 69 की नगर सेविका रेणु हंसराज जी के कार्य अहवाल का प्रकाशन आज यहाँ पर हुआ है और वार्ड नंबर 69 के हर एक कोने से यहाँ पर कार्यकर्ता और नागरिकगण यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उमड़ी हुई भीड़ के माध्यम से इसी बात की एक बार पुनरावृत्ति हुई है कि आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ये लहराने वाला है। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।